अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी खैरियत की दुआ को हूँ। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक किस्म का आप तमाम दोस्त इसको चैलेंज समझ रहे हैं। ये 30 दिन का चैलेंज है, इस 30 दिन के अंदर हम लोगों ने $500 जनरेट करना है और वो रिसीव भी करना है। डेली बेसिस पे हम लोग क्या काम करेंगे वो भी मैं आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा और अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आर्बिट्राज किस तरह से जनरेट करना है वो भी बताऊंगा। और उससे पहले आप तमाम दोस्तों को कुछ चीजें दिखा दूं। यूजर देखो, मैं यूजर को दिखाता हूँ कि $1000 बन गए। वो जब एक नया यूजर देखता है तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है, वो कि यार ये शायद फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये इतने पैसे बनते भी हैं कि नहीं बनते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि कुछ ऐसे यूजर थे वो कहते थे कि भाई हमें $1000 से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा 200 भी बन जाए तो हमारा बहुत है, मेरे लिए इनफ है, या $500 भी बन जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना $500 ही से शुरू किया जाए और $500 पर मंथ वेबसाइट से किस तरह से जनरेट किया जाता है और वो भी एडसेंस अकाउंट से। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग अब तमाम दोस्तों को बताते चलूँ कि अगर वीडियो आप तमाम दोस्तों को अच्छी लगेगी तो लाजमी से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं ईच एंड एवरीथिंग टोटली ट्रांसपेरेंट आप तमाम दोस्तों के सामने रखूंगा। अब यहाँ पे मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा दूँ कि यही नहीं कि भाई हम लोग सिर्फ $500 या $600 पे डिपेंडेंट होते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स पड़े हुए हैं जिसमें $10,000-$20,000 पड़े हुए हैं। और लाइक मैं अगर आप तमाम दोस्तों को दिखा दूँ इसका लास्ट 3 months वर्सेस ये जो भी इसका डाटा है, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करके भी आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। आज 23 तारीख हो चुकी है और अक्सर क्या करता है एडसेंस 21 से 25 के दरमियान आपकी पेमेंट को रिलीज कर देता है, तो किसी वक्त भी एडसेंस आपकी पेमेंट्स अकाउंट की रिलीज कर सकता है। एंड ये आप तमाम दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे $2000 प्लस की अमाउंट जनरेटेड है और जो CPC मुझको मिल रहा था वो आप देख सकते हैं कि $3.45 का मिल रहा था। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो लास्ट मंथ का दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, USA, UK और कनाडा से मेरी वेबसाइट पर विजिटर आता रहा है। और मजे की एक जो सबसे बात है कि जब आप टीयर वन कंट्री की ट्रैफिक लेते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये दिखाने से पहले आप तमाम दोस्तों को एक और चीज़ दिखाता चल रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा दूँ और यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ $213 की अमाउंट जनरेट हुई पड़ी है और ये 21 को एक पेमेंट आई थी, ये $200 के करीब करीब पेमेंट थी। ठीक है, यूजर कहते हैं कि बड़ी पेमेंट से दिखाते हो तो भाई छोटी पेमेंट भी देख रहे हैं। ये एक वो पेमेंट थी जो डायरेक्टली हम खुद अपने बैंक के अंदर रिसीविंग करते हैं। और यहाँ पर अगर आप तमाम दोस्तों को दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं कि लास्ट जो पेमेंट हमें गूगल ने की है वो कब की है, वो 21 को की है। उससे उसके साथ साथ आप तमाम दोस्तों को एक और दिखा दूँ तो यहाँ पर भी दिखा देता हूँ जो गूगल ने पेमेंट रिलीज़ की है वो 21 को पेमेंट यहाँ पे रिलीज़ किया। ये नया एक अकाउंट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गूगल पेमेंट्स, ठीक है, 21 को उन्होंने पेमेंट भेज दिया है। और मैं यहाँ पे इसका एडसेंस भी ओपन करके आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। अगर आप तमाम दोस्तों को इसका एडसेंस दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप तमाम दोस्त देख सकते हैं जो लाइक $300 समथिंग की अमाउंट हमको रिसीव हुई है। खैर, वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे। अगर मैं आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त एक चीज़ देखेंगे कि लास्ट 28 डेज में हमने इसके ऊपर काम किया है तो इस वेबसाइट के ऊपर जो था वो हमको CPC 0.44 cents का मिल रहा था, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा CPC है। अब आ जाती बात वापस कि हम लोगों ने किस वेबसाइट के ऊपर काम करना है। तो आज day 1 है, सबसे पहले तो हमने ये सिलेक्ट करना है कि हमारा वेबसाइट का टॉपिक कौन सा होगा, क्योंकि हम लोगों ने आर्बिट्राज करना है, हमने मुख्तलिफ एड नेटवर्क से अपनी वेबसाइट पर विजिटर को ड्राइव करना है। तो पहले हमने अपनी वेबसाइट को किस तरह से हमारी वेबसाइट होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए और उसके लिए एसेंशियल कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। और ये एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप तमाम दोस्तों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्त इधर आ जाए, मैं आपके सामने एनालिटिक्स को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनालिटिक्स के अंदर जो हमारी वेबसाइट है उसके प्रीवियस 28 डेज का जो डाटा है वो 231 क्लिक्स हैं, ऑर्गेनिकली थोड़ा बहुत विजिटर भी आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस में आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि लगभग 12,000 के करीब करीब इंप्रेशन है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस ये भी दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर कोई 0 रेवेन्यू जनरेट हुआ है और ना ही ये अकाउंट पिन वेरीफाइड है, टोटली मतलब तुमने स्क्रैच से शुरू करना है। पिन वेरीफिकेशन इस वजह से ज़रूरी होती है कि आपके अकाउंट की एड्रेस वेरीफिकेशन हो जाती है, देन हम गूगल से पेमेंट अपने बैंक में ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि मेरी वेबसाइट बनी कैसी है और करंट सिनेरियो में इसका टोटली ऑर्गेनिक विजिटर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं लास्ट 7 डेज के अंदर ही दिखा देता हूँ, तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 यूज़र आया है। और मैं एक इसको रिफ्रेश करके भी आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ, इसको भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। और इतने तक मैं वेबसाइट को ओपन करके आप तमाम दोस्तों को दिखा दूँ, यहाँ पे सॉरी यू कैन सी हेयर कि जो हमारी वेबसाइट है वो कुछ इस टाइप की बनी हुई है।
अब इस तरह की वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगता है और इस तरह की वेबसाइट हम लोग क्यों बनाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी विजिटर रन है वो डायरेक्ट एड नेटवर्क्स या फेसबुक या आप कह सकते हैं कि गूगल के एड्स को रन करके हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करना है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर वो कंटेंट डाला जाए जो कि हाई CPC हो। अब हाई CPC किस तरह से चेक करना है, अब ये जो हमारी वेबसाइट है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ट्रैवलिंग की गाइड्स हैं। अब ट्रैवलिंग की गाइड किसके अंदर आ जाती हैं वो भी बताता हूँ कैटेगरी के अंदर, और हम अपने लिए किस तरह से एक बेहतर और अच्छी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं वो कैसे देखना है तो वो भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनको चूज़ करके हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो कि गूगल हमें खुद बताता है। तो आप लोगों ने सिंपल से इस तरह की वेबसाइट जनरेट कर लेनी है। आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ अगर नहीं है तो ब्लॉगर पे भी है तो चलेगी। आर्टिकल आप लोगों ने ChatGPT से लिखवा लेने हैं। ChatGPT बिल्कुल सिंपल वे है, आपने ChatGPT पे जाना है, उसको बताना है कि मुझे टूर एंड ट्रैवलिंग के ऊपर आपने आर्टिकल लिख के देने हैं या तो होटलिंग के ऊपर आप आर्टिकल लिख लो। तो ये मैंने गाइड्स के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, वेबसाइट थोड़ी ओल्ड है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के जो डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट और अबाउट और प्राइवेसी के पेजेस लाजमी देने हैं, क्योंकि ये गूगल की रिक्वायरमेंट है। अगर चाहे कोई यूज़र इसको रीड नहीं करता, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये तमाम पेजेस होने चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों ने जो आर्टिकल डालने हैं वो कमोबेश आप कह सकते हैं कि 10 से ज़्यादा हों, ठीक है, 10 आर्टिकल कम से कम आपकी वेबसाइट पे हों। और अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं भी है तो तब भी हम उसके ऊपर एडसेंस यानी गूगल एडीएक्स को कनेक्ट करके यानी गूगल से ही पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और विदाउट एनी अप्रूवल हमें वहाँ पे कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम नॉन प्रोग्रामेटिक को रन कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको मज़ीद गाइड चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल की और या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो आप तमाम दोस्तों को मेरा फ़ोन नंबर, मेरे व्हाट्सएप डिटेल्स, टेलीग्राम की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आ जाती है बात ये कि हमने सिंपल से वो आर्टिकल लिखने हैं जो कि हमने ChatGPT से लिखवाने हैं। इमेज हम कोई भी AI इमेज जनरेटर से जनरेट करवा सकते हैं या आप खुद भी एडिट कर सकते हैं कैनवा के थ्रू। अब हम लोगों ने सिंपल से क्या काम करना है, आपने वेबसाइट की एक लुक एंड फील ऐसी बनानी है। यूज़र क्या काम करता है, कोई जनरेट प्रेस पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, लाइट वेट थीम होती है। लेकिन अब गूगल थोड़ा सा एडवांस हो गया, हमने उसकी टेक्निक्स और उसके टेक्निकल्स को समझना है, ना कि अपनी चीज़ें वहाँ पर रखनी है। तो हमने उस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है जो कि एक यूज़र फ्रेंडली हो और उसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा हो, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। कैटेगरीज इस तरह से दे देनी है, कैटेगरीज देने के बाद ऊपर एक सर्च नेविगेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़र को पता ही नहीं होता कि सर्च नेविगेशन क्या होता है, ठीक है, जिस सर्च करते हो कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र आता है, तो ये एक मस्ट, एक रिक्वायर्ड चीज़ है। और उसके बाद आ जाती है बात कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर स्टार्ट लेना है, तो मैं यहाँ पर आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एडसेंस स्टार्ट, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा जो कैटेगरीज हमने पिक करनी है वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। जो हमारी वेबसाइट की जो कैटेगरी है या तो वो फाइनेंस के ऊपर होनी चाहिए, और क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर रहता है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है, ठीक है, अमेरिका हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर मंथली पेज व्यूज़ आते हैं आपके 50,000, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $2,000 तक जनरेट कर सकते हैं ये मंथ की अर्निंग है। इफ़ यू कैन सी हेयर कि हमारा 1 मिलियन विजिटर आता है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 मिलियन के करीब करीब। यू कैन सी हेयर यहाँ पे $42,000 तक की भी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं इफ़ हमारी कैटेगरी फाइनेंस के ऊपर है। और ये वो टेक्निक्स हैं जो कि गूगल खुद बताता है, इस तरह से करके हम लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। खैर, इतनी बड़ी अमाउंट को छोड़ते हैं, हम छोटी अमाउंट्स की तरफ आते हैं। तो छोटी अमाउंट के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, बुक्स एंड लिटरेचर को पिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि क्योंकि हमने ट्रैफिक खुद देनी है तो हम खुद डिसाइड करेंगे। अगर हमारे मंथली 50,000 व्यूज़ भी आते हैं तो $700 जनरेट कर पाएंगे। और दिस इज एक्चुअली हाउ यू कैन डिसाइड योर ऑन कैटेगरी, और इस कैटेगरी को पिक करते हुए हम लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाती है बात ये कि यहाँ पे ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तमाम दोस्तों ने इन कैटेगरीज के ऊपर ChatGPT से आर्टिकल लिखवाने हैं। और बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है, किसी को नहीं आते तो वो YouTube के ऊपर जाके वीडियोस को देख सकता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब आप लोग इतने भी बहाने ना मारे कि हमें कोई ये काम नहीं आता। तो बाकी यह है कि यहाँ पे आप रेफरेंस की वेबसाइट्स बना सकते हैं, $1,400 उससे जनरेट होंगे,
ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनसे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट के ऊपर अभी तक कोई यूज़र काम नहीं कर रहा, ये मैं अगेन बताऊंगा, उसकी गाइड्स के ऊपर, उसकी डिटेल्स के ऊपर कोई यूज़र काम नहीं कर रहा। इफ़ अगर हम इस टॉपिक को भी पिक करते हैं तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और अब आ जाती है बात यह कि हम लोगों ने सिंपल से क्या काम करना है कि अगर कोई यूज़र समझता है कि इस वीडियो को देखने के बाद उसको थोड़ा बहुत जल्दी है और वो चाहता है कि मैं ये 30 डेज का चैलेंज शायद मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ या कुछ इस तरह के मामलात होंगे, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा सकता है और आर्बिट्राज के ऊपर एक वीडियो भी देख सकता है। आपने सिंपल से यूट्यूब के ऊपर आ जाना है, अपने यूट्यूब के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है केस स्टडी। ओके, वीडियो यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, एक आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। ये वीडियो मैंने डाली है कुछ 8 दिन के पहले और अभी आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि लगभग 2000+ यूज़र इस वीडियो को देख चुका है। और इस वीडियो के अंदर मैंने टोटली आर्बिट्राज को डिफाइन किया है कि किस तरह से करना है, किस तरह से हमने वेबसाइट पर रेवेन्यू जनरेट करना है, ये बताया है। अब सभी यूज़र इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को लाजमी से या लाइक भी कीजिए इफ़ अगर आप लाइक समझते हैं कि करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन के ऊपर आपने मस्ट प्रेस करना है, ठीक है। अब आ जाती बात ये कि हमने जिस वेबसाइट के ऊपर काम शुरू करना है, यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान से जा रहा था, एनालिटिक्स मेरा कनेक्टेड था और सर्च कंसोल भी लाजमी से आपका कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि आपके आर्टिकल्स भी इंडेक्स हों, आर्टिकल्स अगर इंडेक्स नहीं होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो वेबसाइट वर्डप्रेस पे होनी चाहिए, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, ये चीज़ें कनेक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद मैं क्योंकि इसके ऊपर एडसेंस अप्रूव्ड नहीं है, ना ही मैंने एडसेंस के ऊपर काम किया है, तो मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा रहा हूँ इस वेबसाइट के ऊपर नॉन प्रोग्रामेटिक हम रन कर रहे हैं, यानी विदाउट अप्रूवल हम इसके ऊपर यानी नॉन प्रोग्रामेटिक को रन करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे। करंट इसकी सिचुएशन ये है कि आज मई डेट 1 से 23 तक इसके ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट किया गया है वो टोटली आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ना होने के बराबर है। एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश द टैब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं बाकी तमाम चीज़ों को एग्जिट करने लगा हूँ फिल वक्त के तौर पे ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ। यहाँ पे अभी हमारे सामने ये रिफ्रेश हो जाता है, नेटवर्क कोड आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। व्हेन आई गो टू इन्वेंट्री एंड साइट सेक्शन, एक एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर हम लोगों ने क्या काम किया था, अप्रूवल लिया था, और यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है जो कि अभी अप्रूव नहीं है, बट हम इसके ऊपर नॉन प्रोग्रामेटिक ऐड को रन करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे जो डायरेक्टली हमें रिसीव होगा वाया एडसेंस के थ्रू एंड वाया आप कह सकते हैं गूगल एडिक्स के थ्रू। और दोनों की बात सिंपल एक ही है, चाहे कान यहाँ से कंचे या वहाँ से कंचे, तो सिंपल से अभी हम लोग इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी यूज़र के तमाम क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो के दरमियान किसी बात की अगर समझ नहीं आई तो लाजमी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इस बात की समझ नहीं आई तो मैं समझा दूंगा। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, जिस यूज़र के पास एडसेंस या एडिक्स का अकाउंट नहीं है तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा, मुझसे आप कॉन्टैक्ट 1-to-1 कर सकते हैं। बाकी रही बात यह कि कल क्या होगा तो इंशाल्लाह ताला कल देखी जाएगी, और सेकंड डे के अंदर क्या हर्डल आती है, हमने काम आगे कैसे करना है, उससे पहले आप तमाम दोस्त अपनी वेबसाइट को इस तरह से रेडी कर लें और डिलीवर कर दें ताकि आप तमाम दोस्तों को अपना बेनिफिट हो, ठीक है। और आप तमाम दोस्तों ने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों को इसी तरह बेनिफिट होगा। और मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि कोई ऐसा यूट्यूबर या यूज़र नहीं होगा जो डायरेक्टली इससे ट्रेड फॉरवर्ड आपको वेबसाइट दिखाए, तमाम चीज़ें दिखाए, वो तमाम चीज़ें हाइड कर देता है। तो मैं आप तमाम दोस्तों को क्लियर एंड कट तमाम चीज़ें भी बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के आइकन के ऊपर लाजमी से प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।